कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना सुझाव व्यक्तिगत रूप से भी देना चाहता है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपना सुझाव दे सकते हैं, और वो गर्व महसूस करेंगे कि हमारे सुझाव के साथ झारखंड आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ये कब से कब तक रहेगा? अभी शुरू हो गया ये अभियान। इसके पीछे तुम छोड़ो ना, इसका पीछे उद्देश्य यही है कि राज्य का समग्र विकास के दृष्टि से राज्य की सोच, जनता की भागीदारी और भविष्य में दूर दृष्टि के साथ राज्य के प्रति कार्यों को गति देना। जो सुझाव मांगा जा रहा है उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सुझाव आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि कोई कोई सुझाव ऐसे भी आ सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया जाए, मुख्यमंत्री के लिए वो पसंद नहीं है, तो कैसे करके डिफाइन कीजिएगा? क्योंकि पब्लिक सुझाव देगा, पब्लिक को जो सुझाव देना है वो दे। सांगठनिक दृष्टि से अगर कोई कार्यकर्ता के नाते सुझाव देता है वो उसको संगठन देखेगा, पर एक जनता के नाते जो राज्य के विकास के लिए जो सुझाव देगा उसको ये टीम देखेगी। सर, ये एनजीटी के मामले में अजय जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है नटराज कुमार, एनजीटी वाले मामले में जो बातें सामने कह रहे हैं आपके बारे में कि उन्होंने एनजीटी में एक दायर कंप्लेन किया था, काफी कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपने पत्र देखा है? जो पत्र लिखा हुआ है पत्र देखे, पत्र को एक नहीं दो बार तीन बार चार बार पढ़ लीजिए और फिर उनसे पूछिए कि आपने जो पत्र में लिखा हुआ कहा है या आपने मन से कहा है या राजनीति कर रहे हैं। आज हर जगह पर्यावरण की समस्या है, उसमें पर्यावरण विभाग से पूछा गया है कि जो दलमा रेंज है वो दलमा रेंज के अंदर जो गतिविधियां चल रही है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जिससे वहां का करैक्टर बदल रहा है और ग्रामीणों का जो इकोलॉजिकल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वन्य जीव का इकोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बारे में चीज़ों को देखना चाहिए। वो शहर के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? तो ये जो जिसको कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, वही है।